तो अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल मेडिसिन लेने के लिए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं रह रही है और मुझे स्टॉमिक का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, काफ़ी इश्यू हो गया था, और जिस वजह से दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती थी, काफ़ी फास्ट हो जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मिसबा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसबा मुदस्सिर। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको साबे औलाद अता फरमाए। तो आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और जो भी डेली की रूटीन होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो अभी मैंने रूम को साफ़ कर लिया, बेडशीट सही कर ली थी, तो अब मैं लगाने लगी थी झाड़ू। बाहर सेन मैंने साफ़ कर लिया था सुबह नाश्ते से पहले ही, तो अब सोचा रूम साफ़ कर लेते हैं। मेरी बेटी जो है वो साइकिल ला के रूम में खड़ी कर देती, से बोलती है कि बेटा बाय, वो कहती मेरी चीज़ है तो मेरे रूम में आनी चाहिए। इंशाल्लाह ये हजन बहुत कम दिन ही रह गए उनको आने में, जैसे वो आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी तो फिलहाल जो भी घर की रूटीन होगी वो ही आपके साथ शेयर होगी। कल हमने लगाई थी मशीन सारे कपड़े धोए। आ रही हूँ। तो अभी मैंने सफाई वगैरह सब कर ली थी, तो अभी हम जाने लगे थे डॉक्टर के पास। अभी मैंने अपनी गुड़िया को तैयार करना है, फिर हम जाएंगे। और तबीयत जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, मुझे थोड़ा स्टोमिक का प्रॉब्लम्स हुआ है, तो काफ़ी इश्यू हो गया था इसका, तो जिस वजह से सांस का मसला भी होने लग गया था, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो गई थी। तो आज पिछले वीक में गई थी मेडिसिन लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि 1 वीक इसको यूज़ करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चेकअप करवाइएगा। तो आज मैं फिर जा रही हूँ भाई, क्योंकि सैटरडे है, और चेकअप करवाते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर अब क्या बोलते हैं। प्लीज़ दुआ करें अल्लाह पाक साहब बेहतर करे और मज़ीद मुझे ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, और अल्लाह पाक से जबी अता फरमा दे। मैंने अभी अपनी गुड़िया को रेडी करना है, खेल रही थी बाहर अभी दादा दादी के साथ, और इसको रेडी करके तो फिर हम निकलते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को वॉच किया करें, हमारी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ नहीं है अभी, और हम कोशिश तो ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाएं, लेकिन फ़िलहाल नहीं भी बना सकते क्योंकि हम बाहर तो कहीं आगे पीछे नहीं आना जाना, नीचे बैठो, और तो इस वजह से इंटेनमेंट तो नहीं है हमारे व्लॉग में। दे देखे मेरी बेटी का काम बिल्कुल कैमरे के फ्रंट पर आ रही हैं, ये देखें। हाँ जी, क्या हुआ? अभी मैंने इसे रेडी करना है, तो फिर हम निकलेंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए। इधर आओ मलाइका, इधर आओ मेरा शोना, इधर आओ मेरे शोना, मेरे शोना पुती, मेरे शोना शोना,
इधर मम्मा के पास आओ। ओ मोमो चद के, मोमो चद के। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मैं अभी अपनी इनला फैमिली के साथ हूँ और अभी इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है और शो करते हुए भी थोड़ा अजीब महसूस होता है कि अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है और ये देखिए कैसे वीडियो डालती जा रही है। और प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्राइबर हों, वॉच करें, तो फिर इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी जल्द आ जाएंगे सऊदीया से, तो फिर हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप तक लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने अपनी बेटी को रेडी कर लिया। मलाइका इधर आओ, मलाइका ये देखिए मैंने अपनी बेटी को रेडी कर ली है और ये चौथे पे बहुत गंदा बच्चा। बहुत ख़राब हो गई हूँ मलाइका, इधर देखो मम्मा की तरफ। बच्चों को जब पता चल जाए ना कि हमारी वीडियो बन रही है फिर बच्चे ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। चल जाओ फिर, अब कोई वीडियो नहीं बनानी। तो अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल मेडिसिन लेने के लिए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं रह रही है और मुझे स्टॉमिक का काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, काफ़ी इश्यू हो गया था और जिस वजह से दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती थी, काफ़ी फास्ट हो जाती थी, तो फिर तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही थी। मेडिसिन मैंने ली थी एक हफ़्ता पहले, तो उन्होंने कहा था कि 1 वीक इसे इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर हमें इसका रिव्यू जो है जो भी अब फीडबैक वो ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं देखती हूँ, डॉक्टर अभी अराउंड पे हैं तो जब आते हैं तो फिर हम चेकअप करवाते हैं और मेडिसिन लेते हैं, जो भी होगा आगे वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो मैं आपको हॉस्पिटल का बाहर से व्यू दिखाती हूँ। चलो ना इधर आओ, चलो बाहर चलें, बाहर चलें, बाहर। ये सामने रूम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए मरीजों का काफी हजूम है बहुत। अच्छा 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 तो हम इधर हमारे जानने वाले हैं, तो मैं इधर बैठी हुई थी रूम में, तो चले जब तक डॉक्टर अराउंड कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर लेते हैं, जब आएंगे तो फिर उनका फिर हम चेकअप करवाते हैं। ये देखें बाहर काफ़ी मरीज हैं, अल्लाह पाक साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक कभी भी किसी भी इंसान को, किसी दुश्मन को भी अस्पताल का मुंह ना दिखाए। बीमारियां तो बहुत ही बुरी होती हैं और अल्लाह पाक कभी किसी को बस बीमार ना करे, मजीद परेशानी ना दिखाए। ठीक है बुखार सर दर्द हल्का फुल्का हो उसकी तो चले सौखे है, लेकिन ज़्यादा तबीयत कंडीशन ख़राब हो जाए
कि जो हमें बार बार हॉस्पिटल आना पड़े, अल्लाह ये कभी किसी को ना दिखाए, आमीन। जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक पास उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफा अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेहत जाप करें। ये देखें मेरी बेटी, इसको बस टाइम चाहिए जैद का पोस्टमार्टम करने के लिए। बेटा इसमें दादी की चीज़ें हैं, वो हमने वापस करनी है, वापस करनी है फिर हमने, ठीक है। हाँ ये रख दो अंदर। ये रख दो। तो आज लगाई हमने मशीन, देखिए कपड़े वॉश कर लिए हैं, और कल जो हमने बेडशीट चेंज की थी वो भी मैं मशीन में डालने लगी हूँ, देख सकते हैं आप। ये देखें मेरी बेटी का काम, अभी जो मैंने कपड़े निकाले हैं सर मशीन से, अभी वो पानी से भी नहीं निकाले, उसने ऐसे टब में डाल दिए, बहुत शरारती है। क्या कर रही हो ये, उठो उठो यहाँ से, मामा पानी से कपड़े निकाले। यार मुझे बताएं कि ये मैंने कैसी मेहंदी लगाई है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। थैंक यू। ये हमारे चने उबल चुके हैं गर्म गर्म, और ये है चनों का पानी, ये भी हम चावलों के अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है। नहीं नहीं चने बड़े होते हैं, वो अब्बू जो हैं वो मेरे चावल नहीं खाते, उनके लिए हम बना रहे हैं अंडा, तो अंडे के लिए टमाटर और प्याज हरी मिर्च थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे, तो फिर हम प्याज के अंदर डाल लेंगे। ये चने हमने निकाल लिए थे दोपहर के सालन के लिए, क्योंकि चावल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर दोपहर में रोटी के लिए कुछ नहीं होता, तो ये हल्के से हमने थोड़े से चने निकाल लिए, इसका कल हम बनाएंगे थोड़ा सा सालन दोपहर के लिए। तो ये देखिए बस अभी मैं देने लगी हूँ चावलों को दम, तो ये आप देख सकते हैं चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने चावल नहीं खाने, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं रोटी।
तो अभी हम बनाने लगे हैं अंडा। तो ये देखिए हमारा खाना तैयार हो गया। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आप तक लेके आ सकें। अल्लाह हाफिज़।